पार्सल आया फ्रेंड, मैं पार्सल लेने जा रही हूँ। लिखती मिस्टर जी से पैसे। दरवाजा खोलो तो। यहाँ पर मैंने ले लिया पार्सल। पार्सल में दिखाती हूँ क्या चीज़ है, बहुत ही स्पेशल है वो। और मुझे 500 रुपए के ना चेंज भी चाहिए थे, तो मैंने वहाँ पर भैया से चेंज भी करा लिया। अच्छा ही हुआ दुकान में थे नहीं चेंज। तो यह पार्सल को दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर नैतिक का चल रहा है मेकअप, एक हफ्ते से नहाया नहीं है, रोज क्रीम लगा लगा के गोरा बनना चाहता है। क्रीम लगा के कोई गोरा हो जाता है बिना नहाए, नहाना भी पड़ता है उसके लिए। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से आप लोगों के सभी के प्यार से। तो कर रही हूँ शुरुआत अभी मैं दिन के कितने बजे से, 1:30 से, तो 1:30 हो रहा है। तो खाना खा लिया है दिन का, सुबह आज मैंने नाश्ता में कुछ भी नहीं बनाया, काम बहुत लेट हो गया था मेरा। तो यहाँ पर बैठी हूँ पार्सल लेकर के, तो दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। ये ना मुझे बाज़ार में मिल रहा था कितने का, 115 रुपए का। कोई अच्छे अपने जिनसे हमारी अच्छी पहचान है तो वो 100 रुपए का भी दे रहे थे बाज़ार में, ये 115 रुपए का। तो मेरे हो रही है क्या, एलर्जी हो रही है, यहाँ पर दिखाई देगा कदम में ऐसे दाद हो रहे हैं मेरे। तो इस वजह से ना मेरी क्या कहते हैं, इस ट्यूब से अच्छी हो रही थी एलर्जी, लेकिन 100-100 रुपए की आ रही थी। मैंने आस्था से बोला एक बार और मंगा बजा, मतलब लेकर आ जाओ वहाँ से मेडिकल से। तो आस्था ने कहा मम्मी रुको मैं ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन आ रही होगी, आ रही होगी। तो मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन कहाँ होगी, ऑनलाइन में नहीं होगी। उसने सर्च मारा तो निकल गई ये क्रीम। तो इसमें तीन है, तीन में ये 150 रुपए की तीन क्रीम आई, 151 रुपए की। और वैसे बाज़ार में जा रहे तो हम 115 की, कोई 115 रुपए की दे रहा है तो कोई 100 रुपए की दे रहा है, तो ये 300 रुपए की होती। तो इसमें हमें 150 रुपए का फ़ायदा आया और ये खुजली ठीक भी हो रही है इससे। तो ये मंगाता है दाद, अगर आपके हो रहे हो तो अच्छे तो हो रहे थे मेरे ऐसे दाद, लेकिन एक ही ट्यूब लाई थी। तो मैं एक ही ट्यूब से क्या होता, वो मैंने लगाई भी नहीं। आस्था का भी हुआ था, आस्था का ठीक हो गया, मेरा थोड़ा सा हुआ था, मैंने एक ही बार लगाया तो मेरा भी ठीक हो रहा था। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगाया, ये बहुत ही उचित दामों पे आप लोगों को मीशो की तरफ से फ्री मिलता है ये। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री है, चार वाला नहीं बोल सकते हैं, दो नहीं बोल सकते हैं। 85 रुपए का तो अंतर है, देख। ठीक है ठीक है, डेढ़ फ्री है इसमें। डेढ़ के साथ डेढ़ फ्री। और इसमें ना चार भी थे, वो था 200 रुपए तक का था, मैंने कहा तीन ही मंगा लेते, 200 का छोड़ा था। 50 रुपए की शाम को सब्जी आएगी इसीलिए अच्छा लगा है मुझे। मीशो में एक चीज तो ये बड़ी अच्छी होती है कि सस्ता माल मिल जाता है। तो और यहाँ पे कब फोटो खींच के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा आया होगा मेरा ये। मैंने धूप में गेहूं भी फैला रखे थे बट लेकिन धूप चली गई है, वो उधर गेहूं रखे हुए इधर, और मेहंदी मेरी यहाँ पर। तो शादी में जाने की प्लानिंग होने लग गई है, तो इसीलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ, नहीं तो ये तो कोई मतलब नहीं था कि अभी मैं मेहंदी लगाती। शादी है 20 फरवरी को जाना है, तो इसी वजह से मेहंदी लगाई जा रही है। सवेरे सोची थी 10 बजे लगा दूंगी मेहंदी, लेकिन कहाँ, किसके बाबा की मेहंदी, किसका बाबा का क्या। पानी उनको पिला दिया, खा दिया हमारे दोनों बाबुओं ने, अब हम भी खाते हैं, फिर इसके बाद इनके निन्नू निन्नू करेंगे। अब तक थोड़ी देर तक अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मुरली बजाएंगे, हम खाना खाएंगे, ठीक है। तब तक राधे राधे।
तो फ्रेंड खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन धो लिए हैं, तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ गुलाब जल, जो इतना सा ही बचा हुआ है मेरे पास अभी, और है ग्लीसरीन, तो इसको मिलाती हूँ अभी मैं गुलाब जल में, और इसको लगाना थोड़ा मेरे हाथों पे और थोपड़े पे, क्योंकि शादी में जाने की अब जोर शोर से तैयारी होने लगी है मेरी। अभी इतने गुलाब जल कल दुकान से लाऊंगी। तो फ्रेंड मैंने गुलाब जल और ग्लीसरीन को मिक्सर करके एक बोतल में भर दिया है, तो इसको मैं अब रोज मुँह पे और हाथों पर लगाऊंगी। वैसे तो आलस आ ही जाता है, मन तो करता नहीं है, फिर भी सोच रखा है लगाऊंगी जरूर, बोलूंगी नहीं, आलस नहीं करूंगी, तो मैंने इसमें मिला के रख लिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा जो फेस पर खुसरापन होता है ना, खुसरा बोलते हो ड्राई, तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो मैं बच्चों को भी चिढ़ा रही हूँ और अपने मुँह पर लगा रही हूँ यहाँ पर। ऐसी बोतल में बना के रखा करो आप लोग भी, ये चेक पैक वाली में, तो कुछ करने का बवाल ही ना हो, ये चेक पैक वाली में चेक पैक जा चेक पढ़ लिया और जा को ढक्कन बंद कर दो, जैसे करके जा हाथों में रगड़ लो, जा थोड़ा सा गोरे हाथ हो जाएंगे, और जो फुसरे होते हैं ना, फुसरे हमारी पहाड़ियों में बोलते हैं फुसरे, फुसरा पट ठीक हो जाएगा। इसमें आप लगोगे बिल्कुल हो गए 40 के तो लगोगे, ऐसा लगेगा 18 के, देखो क्या बोली तो हुई। फिर मैं अपने अपने जमाने में सब परी होती।